अभी रिसेंटली जो बातें चल रही है यूट्यूब पे, अभी पवन जी और खेसारी जी कई सारे वो मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूजेस आ रही है यूट्यूब पर, एक चैनल बना रहे हैं न्यूजेस, गंदी गंदी बातें हर चीज। ये भी या बनाते बट हैं। को हमारे एक्टर्स क्यों मतलब वो नहीं लेते हैं, और बिकॉज आप सब तो सामने, अगर कैमरा के पीछे देखे तो आप तीनों भाई हैं और हाँ तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जी, पब्लिक मैं जिसको पसंद करता हूं वो बेस्ट है ये बताने की जब कोई कोशिश करता है। ये धर्म में भी होता है, राजनीति में भी होता है, फिल्मों में भी होता है। हो सकता है कि मुझे पर्सनली कोई एक नेता पसंद हो, कोई एक भगवान पसंद हो, कोई एक हीरो पसंद हो, ये मेरी अपनी सोच है। जब मैं इसको दूसरे पे थोपने लगता हूं कि तुम भी कहो कि यही सही है, तो यहां पे विवाद बढ़ता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी की अपनी पसंद होनी चाहिए। किसी को कोई नेता पसंद होगा, किसी को ईश्वर पसंद होगा, किसी को अल्लाह पसंद होगा, कोई किसी को जीजस पसंद होंगे, किसी को काजल राघवानी पसंद होंगी, किसी को आम्रपाली दुबे पसंद होंगी। अपनी अपनी पसंद है, तो हम क्यों थोपें कि तुम भी कहो कि नहीं यही बेस्ट है, यही सही है। तो ये चक्कर में ये लोग लड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं सब एक ही हैं। और क्या कुछ कुछ अगर मेरे अंदर गुण है तो बहुत कुछ पवन सिंह जी के अंदर गुण है, बहुत कुछ खेसारी जी के अंदर गुण है, बहुत कुछ काजल राघवानी जी के अंदर गुण है, बहुत कुछ आम्रपाली जी के अंदर है, बहुत कुछ अक्षरा जी के अंदर है। सबके अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज हैं जिसके वजह से आज वो काम कर रहे हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो ये कहना कि जिसको मैं चाहता हूं वही बेस्ट है, ये झगड़े का कारण है, और मुझे लगता है कि इसमें किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो इतना ही समझता हूं।